हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू एडिटिंग वीडियो दोस्तों, और ये बताऊंगा कि कौन है बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर फ्री है और अगर दोस्तों आपको वीडियो एडिटिंग करना अच्छा लगता है तो ये सॉफ्टवेयर आप ही के लिए, ठीक है। इससे आप अगर आप यूट्यूबर हो या आपको वीडियो करना अच्छा लगता है तो आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो इससे। इसका नाम है ओपन शॉट और मैं आपको इसकी बेसिक टिप सिखाऊंगा। मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर है ये सबसे इजीली यूज सॉफ्टवेयर, ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर के मामले में। जैसे आपका आपका बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गए, शॉर्टकट हो गया आपका, ये भी है, बट ये थोड़ा हार्ड है, आपको समझ नहीं आएगा एक बार में। बट ये सॉफ्टवेयर जो है लेके आ रखा हूँ, इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपने पीसी में चलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है। चलिए, हाँ, तो दोस्तों हम आ गए अपने लैपटॉप में, अब हमें ओपन शॉट में जाना है। और दोस्तों लिंक अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक अब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास शॉर्टकट भी देख सकते हो, बट ये आपको समझ नहीं आएगा इजीली, ठीक है, इसलिए मैं आपको इसका वो नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको शॉर्टकट का चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि कैसे इसका एडिटिंग करना है वगैरह, मैं बता सकता हूँ। ये रहा हमारा ओपन शॉट, ठीक है, ठीक है। अब हम इसे ओपन करेंगे, ये खुल गया होगा नीचे। हाँ दोस्तों, ये ओपन हो गया। अब इसमें देखो कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसमें, वो सीख लोगे तो आप ये काम को बिल्कुल आ जाएगा। ये ट्रैक्स है, ठीक है। सबसे पहले ट्रैक्स, इनमें क्या होता है कि दोस्तों आप ये कभी कोई भी वीडियो डाल के आप इसमें आप वीडियो को आप कट सकते हो, बीच से ब्रेक कर सकते हो, और मैं आपको ये लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है अभी। और ये ऐसे कट कट करने का, ठीक है। और ऐसे आगे ऐसे अगर आप ट्रैक को थोड़ा बढ़ाना चाहते हो, आपकी वीडियो लंबी है लेंथी है तो इसे थोड़ा आप माइनस में जाके कर सकते हो, तो आपका ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो आपका इसमें आ जाएगी, ठीक है। अगर 1 घंटे तक की भी है, जितने की भी है, आ जाएगी सारी, ठीक है। तो ये होता है इंपोर्ट, ठीक है, ये इंपोर्ट होता है, लिखा है इंपोर्ट फाइल, देख सकते हो आप। तो इससे क्या कर सकते हो आप, इससे इंपोर्ट करनी है आपको वीडियो, जो भी आप वीडियो इंपोर्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सारी यूट्यूब की वीडियो मैं यहीं से एडिटिंग करता हूँ, ठीक है। तो जैसे इंपोर्ट करके आप नीचे लगा सकते हो, ठीक है, ड्रैग कर सकते हो या फाइल से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट मिल जाते हैं, ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं, इसमें आप वीडियो के बीच में लगा सकते हो। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको सिखाऊंगा इंपोर्ट करके उसमें स्लोमो इफ़ेक्ट डाल के जूम कैसे कर सकते हो आप बीच में, और आपको फ्रीज करना है वीडियो को या आपको फास्ट इफेक्ट डालना है, तो मैं सब डाल के दिखाऊंगा, ठीक है, और ट्रांजेक्शन वगैरह सब डालूंगा, ठीक है। तो पहले इंपोर्ट करते हैं अपनी वीडियो को, तो फटाफट से जो भी हमारी फाइल वगैरह है उससे वहाँ से जाके इंपोर्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो से हमें याद आया कि हमारा एक और चैनल है फिटनेस यूथ, और दोस्तों उसको भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले सिंपल ये हमारी है ये वीडियो है, इसको नीचे ले जाना है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ले गए। ये तो बिल्कुल छोटी सी है, बट हम कोई बड़ी यूज़ कर लेंगे, हमारी बहुत सारी है वो, तो ये है, हम इसे ओपन कर देंगे। अब सिंपल यहाँ पे लगाना है आपको, और हमने बहुत बड़ा कर रखा था, इसे छोटा करेंगे पहले, इस वजह से हमारी ये वीडियो ज़्यादा दिख रही थी। अब इसमें आपको दिखाएंगे कि स्लोमो इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं, कोई भी इफेक्ट कैसे लग सकता है इस वीडियो में, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, देखिए ऑप्शन, ये देखिए, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको साइड में। उसके बाद जाना है आपको यहाँ पे, जूम करना है या वीडियो को आपको, अगर ऑडियो हटानी है इसकी तो यहाँ पे सेपरेट ऑडियो जाके जाना है आपको, अगर वॉल्यूम में कुछ कम करनी है एंटायर में जाके आप कर सकते हो ऊपर, अगर आपको आगे से कम करनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। और टाइम में क्या है, टाइम में है, ये देखो टाइम में क्या है, अब टाइम में ये है कि आप वीडियो को नॉर्मल ही रहना चाहते हो, कि फास्ट करना चाहते हो या स्लो करना चाहते हो या फ्रीज करना चाहते हो या स्लो फ्रीज या जूम करना चाहते हो, इनमें से है दोस्तों। 2 सेकंड का जूम फ्रीज, हम स्लोमो इफेक्ट डाल सकते हो इसमें, फास्ट इफेक्ट डाल सकते हैं, सारे है डाल सकते हो आप ऐसे, बस आपको क्लिक करना है, बाकी कुछ नहीं है, पूरा एंटायर कर देना, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे स्लो में कर दिया, ठीक है, बैकवर्ड या बैकवर्ड करना है स्लो या वो करना है, इसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा। हम फॉरवर्ड से करते हैं, ठीक है, तो अब देखें, हाँ तो दोस्तों ये थी आपकी स्लोमो। अब मैं दिखाऊंगा इसे नॉर्मल कैसे करना है, ठीक है, वापस। तो टाइम पे जाना है आपको, और उसके बाद जाना है आपको रीसेट, रीसेट कर सकते हो या नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो आप ये वीडियो कैसी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब तो करना।
करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो होने वाली हमारी वेट गेनिंग के ऊपर, तो हम फुल डाइट प्लान बताएंगे आपको। हाँ दोस्तों, ये थी, अब इसे आप फ्रीज भी कर सकते हो और आप इस पर आप फास्ट इफेक्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं इफेक्ट डालना सिखाता हूँ उसके बाद, ठीक है। ये तो आपने सीख लिया होगा, सेपरेट ऑडियो बता दी थी, वॉल्यूम कम करना मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो खुद। और इफेक्ट में जाके आप क्या है, ये इफेक्ट में क्या है, ये इफेक्ट डाल सकते हो आप। ये अगर ब्राइटनेस नहीं है वीडियो में तो आप ब्राइट कर सकते हो इसे। ये क्रोमा की से क्या होता है कि क्रोमा की से जो बैकग्राउंड में अगर आपने ग्रीन वो स्क्रीन के पीछे अगर वीडियो बना दो तो आप हटा सकते हो क्रोमा की से, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट मिल जाएंगे आपको, बढ़िया है ना दोस्तों। तो इससे आप कलर सैचुरेशन अगर आप ये करना चाहते हो तो ये सब कर सकते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन, तो इसमें क्या है कि ये फेड है वगैरह आप लगा सकते हो आगे। माउस नहीं है, दिक्कत आ रही है थोड़ी, आप इसे छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से, आप इसमें डाल सकते हो जैसे हम इसे यहाँ लगाएंगे। और दोस्तों फिटनेस यूथ को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ये हमारा अब देखो ऐसे आएगी। तो दोस्तों इतना तक तो आप सब लोगों ने सीख लिया, अब आप अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। अब ये कुछ चीज़ सीख लो, अगर आप इस वीडियो को छोटा करना चाहते हो तो आप ऐसे ही सिंपल छोटा कर सकते हो, कट करने की ज़रूरत नहीं कि आप बार बार कट करो, छोटा ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप इसे इतनी इतनी इसकी लेंथ है उतनी तक बड़ी हो जाएगी, और छोटा करना है आप ऐसे छोटा कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। और सिंपल एडिटिंग तो कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं है कि कुछ ज़्यादा मुश्किल होगा। ऑडियो वगैरह आप डाल सकते हो इसमें पीछे बैकग्राउंड में आप, और क्या क्या फीचर है इस पर। और इसका एक फीचर है एक्सपोर्ट, जब आप वीडियो एक्सपोर्ट करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको मीडियम में करना है या आपको यूनाइटेड प्रोजेक्ट, आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो। वरना क्या आपका क्या होता है, अगर आप सेम ऐसे ही रहेगा तो वो प्रोजेक्ट हट जाता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हाई का कर सकते हो या मीडियम कर सकते हो, जिस हिसाब से आप चाहते हो उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ये है बेसिक, मतलब आप यूट्यूब वीडियो आप इसमें कर सकते हो एक्सपोर्ट, ठीक है, इतने उसमें पिक्सल में, ठीक है। तो सिंपल है, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट वीडियो करना है तो एक्सपोर्ट हो जाएगी इसके बाद वीडियो, यस। बस सिंपल है दोस्तों, अब यही करना था आपको भी। अब अगर आप भी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो ऐसे ही था ये कुछ। और दोस्तों हाँ, तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको और कुछ सीखना है पीसी के मामले में, विंडोज 10 के बारे में कुछ भी जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए बाय।